हर सफर से पहले एक कहानी तो ज़रूर होती है जो आई होप आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सफ़र पर जाइएगा और कहानी को नहीं जान पाएगा तो वैसे सफ़र का फ़ायदा क्या जिसमें मज़ा ही ना हो। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस कहानी पे जो आई होप आप सबको मालूम होनी चाहिए। जर्नी से पहले आपको जानना चाहिए कहानी, क्योंकि कहानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर द जर्नी। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी जो जर्नी से पहले हुई थी। चल सो लेट्स स्टार्टेड। तो बात यूँ थी, 2020 का वक्त था। आई वॉज बिजी इन माई टोस्ट मास्टर्स वर्कशॉप्स। टोस्ट मास्टर क्या है वो मैं कभी आपको कभी और बताऊँगा, पर आप इस पर फोकस करें कि वो कौन से मंथ में चल रहा था। फरवरी गया, देन मार्च आया, और मार्च में एक वायरस आया। एंड द वायरस तो आपको पता होगा, COVID-19। तो इस वायरस ने क्या किया, पूरे कंट्री में लॉकडाउन मार दिया। लॉकडाउन के बाद फिर क्या हुआ, अब हम ना स्कूल जा सकते हैं, अब ना हम मक्का जा सकते हैं, ना अब हम मदीना जा सकते हैं। तो मैं फरवरी से सोच रहा था कि मक्का मदीना जाऊँगा, लेकिन नहीं जा पाया ड्यू टू मेरे 9th स्टैंडर्ड के उस टाइम 2020 के फाइनल में मेरे 9th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। एंड द सेकंड इज़ ये ग्रैंड फिनाले भी था मेरे टोस्ट मास्टर का। तो आई गेस आई वॉज बिजी अ लॉट, एंड मेरा बहुत दिल था जाने का पर नहीं जा पाया। लेकिन अब वक्त आ चुका है आपको कुछ बताने का। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जर्नी सफ़र का कॉल। हेलो। ओ यार किधर रहे तुम, तुम्हारा सफ़र है, तुम जल्दी आओ। आज हमारा सफ़र है? हाँ तुम्हारा सफ़र आएगा। तुम कब? अच्छा आप नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। ओके ओके आई रिमेंबर। हाँ ओके मत बोलो, जल्दी आओ। सो चलते हैं सफ़र पे। محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله